हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। आज के इस वीडियो में आपको मिखेल ताल की एक ब्रिलियंट अटैकिंग गेम दिखाऊंगा जो कि खेली गई थी 1957 में अगेंस्ट एटानस कोलारव। इस गेम में मिखेल ताल के वाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत की e4 से। अब आया c5 द सिसिलियन डिफेंस, नाइट f3, d6, d4, c takes on d4, knight takes on d4 एंड नाउ knight to f6 अटैकिंग e4, knight to c3 और a6। और ये जो a6 मूव है वो जानी जाती है सिसिलियन डिफेंस के नाइट रफ वेरिएंस से, वेरिएशन से, जो कि सिसिलियन डिफेंस का एक काफ़ी पॉपुलर वेरिएशन है। और यहाँ पे मिखेल ताल ने खेला bishop to g5 जो कि मेन मूव है। और नॉर्मली जो है ब्लैक e6 खेलता है, जहाँ पे वाइट जो है f4 और आगे चल के क्वीन f3 खेल के गेम को कंटिन्यू करता है। बट ये जो गेम थी उसमें bishop to g5 के बाद ब्लैक ने खेला knight to d7 और अब आया bishop to c4 एंड नाउ queen to a5। और यहाँ पे थ्रेट है, सबसे पहली वो है क्वीन कैप्चर्स ऑन a5 और दूसरी थ्रेट ये है नाइट कैप्चर्स ऑन e4, क्योंकि आपका नाइट जो है वो भी क्वीन ने पिन किया है। सो इसलिए यहाँ पे मिखेल ताल ने खेला queen to d2। इनकेस अगर आप बिशप कैप्चर्स ऑन f6 खेलते हो बट देन नाइट कैप्चर्स ऑन f6 एंड स्टिल थ्रेट वुड बी द सेम, कि आप जो है नाइट कैप्चर्स e4 खेलना चाहते हो और अगर आप उसको सेव करो देन ऑल्सो ब्लैक के पास जो है 2 bishop एडवांटेज वैसे ही चला जाएगा। सो यहाँ पे इस पोजीशन में queen to d2 इज द बेस्ट मूव। सो अब नाइट कैप्चर e4 कैन बी मेड बाय नाइट कैप्चर्स ऑन e4। और यहाँ पे आया अब e6 और यहाँ पे मिखेल ताल ने जो है लॉन्ग कैसल किया एंड नाउ b5। और आपने देखा ही होगा कि काफ़ी कम ओकेजन ऐसे होते हैं जहाँ पे मिखेल ताल के पीसेस जो है वो पीछे जाते हैं। सो उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप कैप्चर्स ऑन e6। द पॉइंट ये है कि आपको बिशप के सामने 3 pawn मिल रहे हैं आफ्टर पोन कैप्चर्स ऑन e6, नाइट कैप्चर्स ऑन e6। ब्लैक ने खेला king to f7 और अब नाइट कैप्चर्स ऑन f8, रुक कैप्चर्स ऑन f8 एंड क्वीन कैप्चर्स ऑन d6। और इस तरह से मिखेल ताल को जो है वो अपने बिशप के बदले में 3 pawn मिल गए प्लस ऑन गोइंग अटैक। बट यहाँ पे देखा जाए तो ब्लैक जो है वो इजिली आर्टिफिशियल कैसल कर सकता है और नेक्स्ट मूव में वो b4 भी खेल सकता है जहाँ पे a2 पे भी प्रेशर बनेगा। सो गेम में वही हुआ, उन्होंने खेला b4 और अब आया knight to d5। और इन दिस केस अगर आप नाइट कैप्चर्स ऑन e4 खेलते हो देन जो ब्लैक है उसका एक पीस चला जाएगा विथ queen e7 चेक, king to g8 और क्वीन कैप्चर्स ऑन e4 और वाइट जो है यानी कि मिखेल ताल इजिली विन कर जाएंगे। बट knight to d5 के बाद अब आया क्वीन कैप्चर्स ऑन a2 और इस तरह से ब्लैक को भी जो है वाइट के किंग के अगेंस्ट जो है काउंटर प्ले मिला। यहाँ पे मिखेल ताल ने अपना जो है रुक उसको भी सेंट्रलाइज किया, रुक h2e1 और अब king to g8। जबकि यहाँ पे बेस्ट ट्राई ये होती कि आप जो है नाइट कैप्चर्स ऑन d5 खेलते हैं जहाँ पे क्वीन कैप्चर्स ऑन d5, क्वीन कैप्चर्स ऑन d5 और पोन कैप्चर्स या फिर रुक कैप्चर्स ऑन d5 और गेम जो है वो तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। बट एनीवेज यहाँ पे रुक h1 के बाद जो ब्लैक है उसने नाइट कैप्चर्स ऑन d5 मिस किया, क्योंकि जब भी आपके पास मटेरियल एडवांटेज है बट आपका किंग जो है वो बिट सेफ नहीं है, तब उस केस में सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप जो है अटैकिंग पीस एक्सचेंज करो। सो यहाँ पे नाइट जो है वो काफ़ी अटैकिंग पीस है सो उसको एक्सचेंज करना चाहिए था। बट एनीवेज king to g8 और यहाँ पे मिखेल ताल ने देख लिया कि जो ये नाइट है वो एक्सचेंज हो सकती है। सो उन्होंने खेला बिशप कैप्चर्स ऑन f6 और इस केस में नाइट कैप्चर्स ऑन f6 जो है वो बेटर मूव थी। बट यहाँ पे जो है ब्लैक उसने खेला पोन कैप्चर्स ऑन f6 और ये मूव जो है वो काफ़ी वीक मूव है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ कि मिखेल ताल को रुक लिफ्ट करने का चांस मिला इधर ऑफ द रुक एंड देन रुक जो है वो थर्ड रैंक से अच्छा खासा डिफेंस कर सकता है। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ, मिखेल ताल ने खेला rook to d3, अब queen to a1 चेक, king to d2 एंड क्वीन कैप्चर्स ऑन b2। और इस पोजीशन में मिखेल ताल ने पहले खेला जस्ट f4 टू स्टॉप दिस एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ knight to e5 एंड देन वो जो है rook to g3 या फिर rook to h3 अकॉर्डिंग टू पोजीशन खेलेंगे। यहाँ पे आया b3। तो पॉइंट इज कि आप डायरेक्टली अगर रुक कैप्चर्स ऑन b3 खेलते हो देन जो है queen to d4 चेक और आप अपना किंग मूव करोगे या फिर रुक बीच में लाओगे एंड क्वीन टू जो है c5 और इस तरह से ब्लैक जो है क्वीन एक्सचेंज कर सकता है। बट ये जो b3 मूव है वो मिस्टेक है, वो इसलिए क्योंकि आपको जो है queen d4 चेक देने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिखेल ताल ने पहले खेला knight to e7 चेक और king to h8 के बाद अब रुक कैप्चर्स ऑन b3 और इस पोजिशन में आया queen to a2 और अब मिखेल ताल ने खेला queen to d5। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप जो है सिंपल ए पीस मारने के लिए नहीं जा सकते से नाइट कैप्चर्स ऑन c8, बट देन रुक ए कैप्चर्स ऑन c8 और उसके बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन d7 के बाद
सिंपली रुक टू डी8 और ब्लैक जो है विन हो जाएगा क्योंकि मिखेल ताल की क्वीन जो है यहाँ पर पिन हो जाएगी। सो पीस जो है वो मिखेल ताल को नहीं मिल रहा था, बट एनीवेज क्वीन टू ए2 के बाद यहाँ पर मिखेल ताल ने खेला क्वीन टू डी5, जहाँ पर वो रुक पे भी अटैक कर रहे हैं और दूसरी थ्रेट ये है कि नाइट टू जी6 चेक, उसके बाद पोन कैप्चर्स ऑन जी6 और अब रुक टू एच3 चेक और उसमें डिस्कवर अटैक में जो है ब्लैक की क्वीन चली जाएगी। सो यहाँ पे ब्लैक के लिए बेस्ट डिफेंस ये था कि वो जो है क्वीन टू ए4 खेलते हैं, जहाँ पे क्वीन कैप्चर्स ऑन 8 जो है वो इतना अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ क्वीन डी4 चेक, रुक टू डी3 और अब आप जो है क्वीन बी4 चेक खेल सकते हो, जहाँ पे आप किंग ई2 खेलो चाहे सी3 खेलो वॉट एवर, नेक्स्ट मूव में जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन ई7 और इस तरह से जो ब्लैक है वो गेम में रह सकता है। बट यहाँ पे भी मिखेल ताल जो है वो आउट ऑफ रिसोर्सेस नहीं थे, आई मीन जब ब्लैक ने क्वीन टू ए4 खेला तब जरूरी नहीं था कि हम जो है वो ये रुक कैप्चर करें। यहाँ पे वाइट खेल सकता है रुक टू ई3 और अभी भी क्वीन की वजह से ये कोई डी4 वाला चेक पॉसिबल नहीं है, राइट, और ना ही बी4 रुक की वजह से बी4 वाला चेक पॉसिबल है। सो हमारी थ्रेट ये है कि अब जब अपना रुक आप सेव करते हो द सिंपल मूव इज रुक टू जी3 एंड यहाँ पे जो है जी8 पे चेकमेट सेव करना है वो ब्लैक के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा है। सो दिस इज विनिंग फॉर वाइट। सो इसीलिए क्वीन टू डी5 के बाद यहाँ पे जो है वो ब्लैक की पोजीशन काफ़ी वीक है और इनकेस अगर आप से किंग टू जी7 खेलते हो बट देन हम जो है पहले नाइट f5 खेलेंगे एंड देन सिंपली जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन a8 इज जस्ट विनिंग फॉर वाइट। सो गेम में क्या हुआ कि क्वीन टू डी5 के बाद ब्लैक ने खेला रुक टू a7 और ये जो है दिस इज द वीकेस्ट मूव क्योंकि यहाँ पे आपने अपना क्वीन जो है अभी तक हटाया नहीं है, दैट मीन्स नाइट टू g6 इट इज़ क्वाइट पॉसिबल और यहाँ पे अब जो है ब्लैक है वो पोन कैप्चर्स ऑन g6 नहीं खेल सकता बिकॉज ऑफ रुक h3 और जो ब्लैक है उसकी क्वीन चली जाएगी जैसा कि मैंने बताया था। सो यहाँ पे उसके लिए फोर्स है कि वो किंग g7 खेलता बट यहाँ पे आया अब नाइट कैप्चर्स ऑन f8, किंग कैप्चर्स ऑन f8 और अब e5। यहाँ पे ब्लैक ने एक टैक्टिक्स खेली, उसने खेला नाइट कैप्चर्स ऑन e5। सो पॉइंट इज पोन कैप्चर्स ऑन e5 के बाद जो ब्लैक है वो रुक टू d7 खेलेगा और इस तरह से मिखेल ताल की क्वीन जो है पिन हो जाएगी और ब्लैक जो है वो विन हो जाएगा। बट दोस्तों टैक्टिक्स उसी को फेवर करती है जिसकी पोजीशन अच्छी होती है। सो यहाँ पे e5 के बाद आपका किंग जो है इतना वीक है एंड ढेर सारे चेक पॉसिबल है, सो ये नाइट कैप्चर्स e5 जो सेक्रीफाइस हो इतना वर्क नहीं करेगा बिकॉज ऑफ क्वीन टू c5 जो कि गेम में खेला गया। पॉइंट ये है कि आप किंग अगर नीचे लेके आते हो, आई मीन किंग टू f7 या फिर g7, देन मैं जो है क्वीन कैप्चर्स a7 विथ चेक खेलूंगा एंड देन पोन कैप्चर्स नाइट खेलूंगा, जहां पे वाइट जो है वो कम्प्लीटली विनिंग है और गेम में जो खेला गया वो था किंग टू g8, बट अब ये बिशप जो है वो विथ चेक गया, सो क्वीन कैप्चर्स ऑन c8 चेक और अब किंग टू f7 के बाद पोन कैप्चर्स ऑन e5 और इस तरह से जो वाइट है यानी कि मिखेल ताल है उसके पास सीधा एक्स्ट्रा एक रुक हो गया। यहाँ पे खेला गया क्वीन टू f5 चेक, जहाँ पे आया क्वीन टू c3 और अब रुक टू d7 चेक और सिंपल किंग टू c1 के बाद जो ब्लैक है उसने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप जो है क्वीन को भी बोर्ड पे रख पाओ, क्योंकि आप क्वीन को बोर्ड पे रखने की ट्राई करते हो देन पोन टू e6 और ये रुक जो है d7 पे वो चला जाएगा, सो वो भी पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स क्वीन के बाद गेम जो है फेयरली इक्वल है, सारा अटैक सबका निकल चुका है बट वाइट जो यानी कि मिखेल ताल है उनके पास एक एक्स्ट्रा रुक है और एक एक्स्ट्रा पोन है, दिस इज ऑफकोर्स विनिंग फॉर मिखेल ताल। सो इसीलिए किंग टू c1 के बाद जो ब्लैक है उसने रिजाइन कर दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की गेम, आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले और जितने हो सके मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।